हेलो एवरीवन वेलकम टू इंजीनियर्स एजुकेशन पॉइंट इस वीडियो में एमटेक फर्स्ट सेमेस्टर का वी डिवाइस एंड मॉडलिंग का क्वेश्चन पेपर को देखेंगे ये एमटेक इन माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड वी टेक्नोलॉजी जो ए के यू आर्यभट नॉलेज यूनिवर्सिटी पटना के अंतर्गत भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में ये कोर्स करवाई जाती है उसी का हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर को देखेंगे भेलएसआई डिवाइस एंड मॉडलिंग का तो देखिए यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन है देर आर एट क्वेश्चन इन दिस पेपर टोटल कितना क्वेश्चन है आठ क्वेश्चन है अटेम्प्ट फाइव क्वेश्चन इन ऑल जिसमें आपको पाँच क्वेश्चन करना है और क्वेश्चन नंबर वन जो है ये कंपलसरी है क्वेश्चन नंबर वन आपको करना होगा और उसके अलावा चार क्वेश्चन और करना पड़ेगा टोटल आठ है जिसमें पांच क्वेश्चन करना है और क्वेश्चन नंबर वन कंपलसरी है इसको करना ही है तो क्वेश्चन नंबर वन में अगर बात करें तो देखिए यहाँ पर प्रत्येक क्वेश्चन जो है ओवरऑल देखिए तो फोर्टीन मार्क्स का है पांच क्वेश्चन करना है फोर्टीन इंटू फाइव सेवेंटी मार्क्स का टोटल है प्रत्येक क्वेश्चन फाइव है फिर उसको सब डिवाइड किया गया है क्वेश्चन नंबर वन में जो है सात क्वेश्चन को करना है प्रत्येक क्वेश्चन दो मार्क्स का है सात क्वेश्चन कीजिएगा तो फोर्टीन मार्क्स हो जाएगा एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ आठ क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें सात क्वेश्चन करना है क्वेश्चन नंबर वन में चलिए देखते हैं यहाँ पे इंस्ट्रक्शन को आंसर एनी सेवन ऑफ द फॉलोइंग कोई भी सात क्वेश्चन को आंसर करना है वन का ए है डिफाइन पिंच ऑफ वोल्टेज पिंच ऑफ वोल्टेज को डिफाइन करना है बी है व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ एक्सट्रिंसिक रेजिस्टेंस ऑन ट्रांसकंडस ट्रांसकंडक्टेंस पे एक्सट्रिंसिक रेजिस्टेंस का क्या प्रभाव पड़ता है इसको बताना है सी है डिफाइन फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन को डिफाइन करना है डी है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्साइड ऑक्साइडेंट इन गेट ऑक्साइड ऑफ ट्रांजिस्टर मेटल ऑक्साइड ट्रांजिस्टर में जो डिफरेंट टाइप का जो है ऑक्साइड चार्ज जो प्रजेंट है उसको जो है डिफाइन करना है ई e है व्हाट इज बॉडी इफेक्ट बॉडी इफेक्ट क्या होता है इसको डिफाइन करना है एफ है व्हाट इज मिंट बाय थ्रेशोल्ड रोल ऑफ थ्रेसोल्ड रोल ऑफ से क्या समझते हैं इसको बताना है जी है हाउ डज द कनेक्टिविटी ऑफ सेमी कंडक्टर चेंज विथ टेम्परेचर आपको बताना है कंडक्टिविटी जो होता है सेमी कंडक्टर का कैसे टेम्परेचर के साथ चेंज करता है तो हम लोग जानते हैं सेमी कंडक्टर में क्या होता है निगेटिव टेम्परेचर कोपिशेंट होता है मीन्स जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा उसका रेसिस्टिविटी क्या होगा कम होगा रेसिस्टिविटी कम होगा मीन्स कंडक्टिविटी क्या होगा बढ़ेगा और जस्ट उसका भाई वर्षा होता है क्वेश्चन नंबर एच है राइट राइट रिलेशन फॉर सेमीकंडक्टर आइंस्टीन रिलेशन फॉर सेमीकंडक्टर जो है उसको एक्सप्लेन करना है क्वेश्चन नंबर टू है इसमें दो क्वेश्चन है टोटल सात सात मार्क्स का होगा सेवन प्लस सेवन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर टू है एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ गेट सबस्ट्रेट बैस वोल्टेज ऑन सरफेस कंडीशन डेट इज फ्लैट बैंड कंडीशन एक्मलेन डिप्लिशन एंड इन्वर्जन कंडीशन को बताना है बी है शो डेड इन डिप्लीस साई एस लार्जर देन ए फ्यू फाइव ऑफ टी एंड इन वीक इन्वर्जन सी डे जीवी इज अप्रोक्सीमेटली गिवेन बाई ये फॉर्मूला से इसको प्रूफ करना है वेयर गामा इज बॉडी इफेक्ट इज कैपेसिटेंस पर कोरिया भी जी बी एंड बी आर द गेट टू बॉडी पोटेंशियल एंड फ्लैट बैंड वोल्टेज रिस्पेक्टिवली सब दिया हुआ है इसको प्रूव करना है क्वेश्चन नंबर थ्री है एक्सप्लेन द थ्री इन्वर्जन नेमली वीक मॉडरेट एंड स्ट्रॉन्ग इन्वर्जन रिप्रेजेंटिंग द वेरिएशन इन द इन्वर्जन चार्जेज इसको एक्सप्लेन करना है क्वेश्चन नंबर बी है थ्री का व्हाट इज फ्लैन फ्लैट बैंड वोल्टेज कैलकुलेट द फ्लैट बैंड वोल्टेज फॉर ए पी टाइप सबस्ट्रेट विथ एन ए दिया हुआ है एंड एस आई ओ टू इंसुलेटर विथ ए थिकनेस ट्यू एक्स दिया हुआ है एक सौ एंगेस्ट्रॉम एंड एन एन टाइप पॉलिसीकन गेट विथ एन डी दिया हुआ है टेन टू पावर ट्वेंटी पर सेंटीमीटर क्यू द इंटरफेस चार्ज क्यू नॉट डैश इज ट्वेंटी माइनस एट कुलम पर सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है आपको कैलकुलेट करना है फ्लैट बैंड वोल्टेज

क्वेश्चन नंबर फाइव है विथ रिफरेंस टू ए फोर टर्मिनल मॉस वॉट डू यू मीन बाई ट्रांजिस्ट रीजियंस ऑफ ऑपरेशन एक्सप्लेन द फिजिकल दाउज वाई ड्रेन करेंट रिमेंड फ्लैट इवेन इफ द अप्लाइड ड्रेन वोल्टेज इज इंक्रीज वेयर डज द एडिशनल अप्लाइड ड्रेन वोल्टेज गेट ड्रॉप इसको सॉल्व करना है फाइव का बी है व्हाट आर द काउज ऑफ फाइनाइट मोबिलिटी ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स इन ए सेमी कंडक्टर इन ए मोस्ट ट्रांजिस्टर वाई इज द इफेक्टिव सरफेस मोबिलिटी डिफरेंट फ्रॉम द बल्क मोबिलिटी स्केस द यूनिवर्सल सर्फेस मोबिलिटी कर्व एंड एक्सप्लेन इट्स वेरिएशन विथ रिस्पेक्ट टू द चैनल डॉपिंग कंसनट्रेशन तो ये आपका फाइव का बी है क्वेश्चन नंबर सिक्स है एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ चार्ज शेयरिंग ऑन थ्रे सेल्ड वोल्टेज सिक्स का बी है इन मॉस ट्रांजिस्टर सो डेट द कॉन्स्टेंट फील्ड स्केलिंग इम्पोजेज एन एक्सपोनेंशियल इंक्रीज ऑफ द सब थ्रेसोल्ड ड्रेन करेंट वाइल ए डिक्रीज ऑफ द सुपर थ्रेसोल्ड करेंट बाय द स्केलिंग फैक्टर के तो सिक्स का ए और बी है क्वेश्चन नंबर सेवन देखिए एक्सप्लेन द क्वासी ऑपरेशन ऑफ फोर टर्मिनल मॉस ट्रांजिस्टर स्टेट द एजशन ऑफ क्वासी स्टैटिक ऑपरेशन डिराव द जनरल एक्सप्रेशन फॉर नॉन सैचुरेशन ऑपरेशन ऑफ मोस्ट ट्रांजिस्टर इन ए स्ट्रॉन्ग इनवर्जन रीजन इसी का बी है वॉट इज मीन्ट बाई ट्रांजिट टाइम सो डेट द ट्रांजिट टाइम फॉर ए स्ट्रॉन्ग इन्वर्जन सेचुरेशन रीजन ऑफ ऑपरेशन इज टिवेन बाय यहां पे दिया हुआ है इसको शो करना है क्वेश्चन नंबर एट है डिफाइन द टर्म गेट ट्रांसकंडक्टेंस सबस्ट्रेट ट्रांसकंडक्टेंस एंड सोन कंडक्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू ए स्मॉल सिग्नल मॉडलिंग एक्सप्लेन द कंप्लीट लो फ्रिक्वेंसी स्मॉल सिग्नल मॉडल फॉर द इंट्रेंसिक पार्ट सो डेट गेट ट्रांसकंड स्ट्रॉन्ग इनवर्जन रीजन इज गिवेन बाई इसको शो करना है जीएम इज कॉल टू टू आई डी एस बटे भी जी एस माइनस भी टी इसको प्रूव करना है बी है वॉट इज इंटरसिक ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी इंट्रेंसिक ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी क्या होता है यूजिंग द वीक इन्वर्जन एक्सप्रेशन फॉर जीएम एंड सी सो शोड एट द इंटरसिक ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी इज गिवेन बाई इससे दिया जाता है इसको शो करना है तो ये क्वेश्चन नंबर एट का ए और बी है आप देख सकते हैं क्वेश्चन को टोटल सेवेंटीन सेवेंटी मार्क्स का क्वेश्चन है देख सकते हैं आप जैसे थ्री का या फोर का आप क्वेश्चन बनाते हैं फोर में दो क्वेश्चन है तो आपको दोनों क्वेश्चन बनाना पड़ेगा ए और बी तब आपको फोर्टीन मार्क्स मिलेगा कंप्लीट ऐसा नहीं कर सकते हैं जो फोर का ए बना लिए और फाइव का भी ए बना लिए तो आपको फोर का ए में मीन्स सात नंबर मिलेगा और फाइव का ए में भी सात नंबर ही मिलेगा ये नहीं जो फोर का ए और फाइव का ए मिल के आपको चौदह नंबर मिला मिल जाएगा तो फोर अगर अटैम्प्ट कर रहे हैं तो फोर का ए और बी दोनों करना पड़ेगा देख सकते हैं आप क्वेश्चन थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो थैंक यू सो मच